क्या भारत में फ्रीडम खत्म हो गई है? क्या भारत 2014 से पहले ज्यादा आजाद था और अब 2021 में वो कम आजाद है? आज के इसी वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके सामने एक रिपोर्ट शेयर करूंगा जिसमें दिखाया गया है कि भारत जो है वो कम आजाद देश बन गया है, और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट आप लोगों को भी बताऊंगा जिससे ये आप खुद डिसाइड करना कि ये रिपोर्ट एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो शुरू करें। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फ्रीडम हाउस, ये यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है। यहां पर ये तय करती है कि कोई देश जहां पर पॉलिटिकल राइट्स कितने हैं, ह्यूमन राइट्स कैसे हैं वगैरह वगैरह, ये चीजें काम करती है, और साथ ही साथ ये बताती है कि किसी देश में फ्रीडम कितनी है। इसी फ्रीडम हाउस ने भारत के बारे में एक रिपोर्ट शेयर करते हुए इन्होंने कहा कि भारत जो है ये 100 नंबर देती है, और इसने 100 नंबर में से भारत को 67 नंबर दिए हैं, और कहा है कि अब भारत 2021 में पार्शली फ्री हो गया, यानी हाफ फ्री हो गया, हाफ इसकी फ्रीडम छिन चुकी है। 2020 में ये फ्री था, इसके जो भारत के जो नंबर थे वो 71 थे आउट ऑफ 100 में से। और जब फ्रीडम हाउस ने अपनी इस रिपोर्ट को ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, तो बहुत सारे जो लोग हैं भारत के, बहुत सारे समझदार जो लोग हैं, उन्होंने इस ट्वीट को रीट्वीट किया और लोगों को अवेयर करने के लिए कहा कि देखो देखो भारत में से आजादी खत्म हो गई। अब वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब देखो यार, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये उनकी आजादी है, उनके अपने दिमाग की सोच है। अगर वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो जो इन्होंने नक्शा, जो मैप जारी किया है वो भारत का, इन्होंने अपने फ्रीडम हाउस ने जो रिपोर्ट जारी की है, साथ ही साथ भारत का नक्शा भी जारी किया है देश को दिखाते हुए, तो उस चीज को भी वो एक्सेप्ट करते होंगे। फ्रीडम हाउस ने भारत के लिए जो नक्शा जारी किया है उसमें से इन्होंने कश्मीर को उड़ा दिया है, मतलब कश्मीर भारत का अंग दिखाया ही नहीं है। इस एनजीओ की इतनी कैसे हिम्मत हो सकती है कि वो किसी देश का ये डिसाइड करे कि उसकी टेरिटरी या उसके क्षेत्र में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। और जो लोग इसकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो डेफिनेटली ये चीज तो मानकर बैठे हैं कि जो नक्शा है वो बिल्कुल सही है, और वो ये मानते हैं कि भारत का जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा नहीं है। यानी इन्होंने जिन्होंने ये जो दबा के शेयर कर रहे हैं वो इस रिपोर्ट को, देखो देखो भारत में से स्वतंत्रता खत्म हो गई है, जबकि ये नक्शा बता रहा है कि इनकी नजर में भारत का मतलब क्या महत्व है। अब जरा उन पॉइंट्स के बारे में भी नजर डाल लेते हैं जहां पर इन्होंने कहा है कि इसके चलते भारत में से स्वतंत्रता कम हुई है, फ्रीडम कम हुई है। वैसे इनके बहुत सारे पॉइंट है, वो आपके सामने स्क्रीन पर आ भी रहे होंगे, पॉज करके इसको आसानी से पढ़ लेना। मुझे 3 पॉइंट के बारे में बात करनी है। सबसे पहला जो पॉइंट है, इन्होंने कहा है कि मुस्लिम्स के यहाँ पर राइट्स खत्म कर दिए गए हैं, पॉलिटिकल राइट्स इन्होंने खत्म कर दिए हैं। अब जरा देखो यार, इन्होंने ये जो बात बोली है वो CAA से रिलेटेड बोली है। इन्होंने खासकर उदाहरण दिया है जब दिल्ली में दंगे भड़के थे, और अगर आप वो दिन याद करें, वहां पर जो दंगे भड़के थे वो खासकर दिन था जब डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, तब भारत में आए थे, और उसी दिन एक सोची समझी साजिश के तहत ये सारी चीजें की गई थी, क्योंकि जो भी दंगे करवाने वाले थे उनको अच्छे से पता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं भारत के अंदर, एक प्रेसिडेंट आया हुआ है अमेरिका का, तो पूरी मीडिया, पूरे दुनिया की मीडिया की नजर है भारत के ऊपर, और इससे बड़ा मौका कहीं नहीं मिलेगा ये दंगे करने का। तो ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ था, जैसे हाल फिलहाल में 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर जो झंडा फहराया गया, जो हरकत वहां पर की गई, वो भी एक सोची समझी साजिश के तहत हुई है। तो सारी की सारी जो प्लानिंग होती है ऑलरेडी फिक्स होती है। टूलकिट जो ग्रेटा थनबर्ग ने जो जारी की थी उसमें ये सब चीजें निकल के बाहर आई थी। खैर, मैं उस टूलकिट के ऊपर नहीं जाने वाला हूं, हम वापस इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। देखो यार, ये सारी चीजें होना ये बताता है कि यार देखो, भारत को वैसे बहुत सारे जो लोग हैं या बहुत सारे जो देश हैं वो पसंद नहीं करते, वो नहीं चाहते कि देश जो है वो आगे जाए, और देश की छवि खराब करने के लिए दिन रात लोग मेहनत करते हैं। इस देश को चाहेगा कौन? जो इस देश के सच्चे नागरिक होंगे वही इस देश को आगे लाना चाहेंगे। तो यह आप लोगों को डिसाइड करना है कि ये जो रिपोर्ट है आप इस नक्शे के साथ इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। और इनका जो दूसरा पॉइंट है, इन्होंने कहा है कि भारत सरकार ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से काम नहीं करने दे रही है, उनके ऊपर प्रेशर बना रही है। ये इन्होंने जो रिपोर्ट में ये जो चीज लिखी है, ये जो पॉइंट इन्होंने लिखा है, इन्होंने ये रेफरेंस दिया है एमनेस्टी इंटरनेशनल, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ हुआ करता था भारत में, जिन्होंने अपने बोरिया बिस्तर समेट कर यहां से 9-2-11 हो गए, उसके पीछे इन्होंने कहा है कि देखो देखो इन्होंने ह्यूमन राइट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको भगा दिया है अपने देश में से, यहां पर इनको काम नहीं करने दे रहे। एक्चुअल में हकीकत कुछ और ही है। भारत सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल से ये पूछा कि भाई साहब, जो तुम ये काम कर रहे हो, इसके लिए फंडिंग जो तुम्हारे पास आ रही है, हमें उसकी पास डिटेल दे दो कि ये फंडिंग कहां से आ रही है। इन भाई साहब लोगों ने, इस एनजीओ ने अपनी फंडिंग की डिटेल भारत सरकार को नहीं दी और अपने बोरिया बिस्तर समेट कर ये चले गए, क्योंकि भारत सरकार ने इनके अकाउंट सीज कर दिए थे। अब जरा मैं आप लोगों के एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। आप और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जो एक अच्छा काम कर
कर रहे हैं और हमारे हमें जो फंडिंग मिल रही है वो एक अच्छे लीगल सोर्स से हमें फंडिंग मिल रही है, और जब हमें गवर्नमेंट पूछे कि भाई अपनी डिटेल दो कि तुम्हें फंडिंग कहाँ से मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई ऐतराज होगा वो डिटेल देने में सरकार को कि हमें यहाँ से फंडिंग मिल रही है। आई डोंट थिंक सो कि ये कोई गलत चीज़ है। दिक्कत वहाँ आती है जब हमें फंडिंग करने वाला कोई गलत है और हमारा काम करना भी गलत है, वहाँ पर हम शायद अपनी चीज़ें वो रिवेल ना करें, हम बताएं ना। आई थिंक इतनी चीज़ काफ़ी आप लोगों को बताने के लिए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल यहाँ से क्यों भागी है। और अब इनके थर्ड पॉइंट के बारे में बात करूँ, जहाँ पर इन्होंने अकेडमीज़ और जर्नलिज्म को लेकर बात कही है कि देखो अकेडमीज़ को कैसे डराया जा रहा है, वहाँ के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कैसे डराया जा रहा है, जर्नलिस्ट को कैसे डराया जा रहा है। अब जो ये इनको दोनों को अलग अलग करके बात करते हैं, अकेडमी की बात करूँ तो जहाँ पर ये अकेडमी वाली जो इन्होंने बात बोली है वो खासकर जेएनयू के लिए इन्होंने पॉइंट आउट किया, क्योंकि जेएनयू में हुए भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाए गए, जिसको चलते भारत के जो लोगों ने इनके प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया और गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया और आज भी वो इन सब चीज़ों को भुगत रहे हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया कि देखो यार ये यूनिवर्सिटी के लोगों को बच्चों को कैसे डरा रहे हैं, कैसे धमका रहे हैं, इनके ऊपर कैसे लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं ये खासकर इसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए इन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें सही थी, शायद देश के एक देश में रहते हुए देश के विरोधी नारे लगाना इनकी नज़रों में वो फ्रीडम होगी। दूसरी जो चीज़ है जिन्होंने जर्नलिज्म के बारे में बात की कि देखो यार जर्नलिज्म का कैसे गला घोंटा जा रहा है, देश में से प्रेस की फ्रीडम खत्म कर दी गई है। एक चीज तो ये आप लोग भी मानोगे कि कुछ एक ऐसे चैनल है जो सरकार की फुल ऑन सपोर्ट करते हैं, एकदम उनके बारे में जो चीजें सरकार ने की उसको बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे चैनल्स और कुछ ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो फुल ऑन गवर्नमेंट की मतलब बुराई बुराई करते हैं। सिर्फ आपका कभी भी उनका चैनल खोल लेना, आपको उनमें बुराई के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा, और इवन अगर एक साल वो न्यूज सुन लो ना आप डिप्रेशन में चले जाओगे। तो ये कैसे कह सकते हैं कि जर्नलिज्म का गला घोंटा जा रहा है, देश में जर्नलिज्म को जर्नलिस्ट को डराया जा रहा है, ये कैसे कह सकते हैं कि जबकि यहां पर देश में मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि देखो हम गवर्नमेंट के खिलाफ बोल पा रहे हैं। तो यही तो फ्रीडम है, और कौन सी फ्रीडम चाहिए होती है। और इसके अलावा आपको और भी फ्रीडम देखनी है तो जाओ यार फेसबुक पे देखो, यूट्यूब पर देखो, ट्विटर पर देखो, जहां पर फुल ऑन गवर्नमेंट को गालियां दी जाती हैं। इवन अगर गली में से पानी ना निकले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाकर उनके नीचे गाली लिखकर लोग शेयर कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर। ये फ्रीडम नहीं है क्या, ये कुछ और है तो मुझे बताओ। जब इनका ट्वीट आप देखोगे फ्रीडम हाउस का, जब इन्होंने शेयर किया कि देखो कैसे 2014 से स्पेशली इन्होंने नाम लेकर ये बात बोली है कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से कैसे देश में से फ्रीडम खत्म होती जा रही है, ये 2014 इन्होंने पॉइंट आउट करना, फिर वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिखना, ये साफ तौर पे जाहिर करते हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेट चीजें। अगर इससे भी सही समझ नहीं पा रहे हो तो इससे समझ जाना कि जिन्होंने नक्शा जारी किया है भारत का, जहां से इन्होंने कश्मीर ही उड़ा दिया है भारत से, ये दिखाना कि ये भारत के प्रति क्या नजरिया रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई और फैक्ट बताने की जरूरत है कि ये जिन्होंने काम किया, इन्होंने रिपोर्ट दी, वो कितनी सही है और कितनी गलत है। ये आप लोग खुद डिसाइड करिए कि ये आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब बहुत सारे जो लोग हैं वो इस रिपोर्ट को लेकर लोगों के सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो देखो फ्रीडम खत्म हो गई। यार हमें तो कहीं से भी नहीं लगता फ्रीडम खत्म हो गई है, हम अपनी आवाज़ रख पाते हैं, अपोजिशन अपनी बात रख पा रही है, जर्नलिज्म चल रहा है, सारी चीज़ें तो चल रही हैं। ये चीज़ तो हर कोई मानेगा कि एक तरफ ऐसे चैनल हैं जो बकायदा गवर्नमेंट की बुराई करते हैं और फुल ऑन बुराई करते हैं, उनको तो कुछ नहीं हो रहा है। यार अगर इतना ही होता तो गवर्नमेंट चाहते तो भाई साहब उनका कब का गला घोंट दिया होता, जो जाके चीन की बात करके देख लो वहां पर कितनी फ्रीडम है। ये जो सारी चीज़ें की जाती हैं ऑब्वियसली वो भारत देश को बाकी के देशों में कम करने के नज़रिए से की जाती हैं कि हाँ इस देश में फ्रीडम कम है, यहाँ पे डेमोक्रेसी कम हो गई है, ये फलाना फलाना लोग टैग बांटते रहते हैं देश के। आप खुद इस देश में रहते हैं और आपको ये डिसाइड करना है कि क्या देश में से फ्रीडम खत्म हो रही है, क्या देश में से पॉलिटिकल राइट्स खत्म हो रहे हैं, क्या देश में से अब एक्सप्रेशन खत्म की जा रही है। मेरी मानो तो यार मुझे तो आज तक कभी फील ऐसा नहीं हुआ कि हाँ देश में से आज़ादी खत्म हो गई है, मैं तो अपना काम करता हूँ, अपनी बात रखता हूँ, जैसे आज की इस वीडियो में भी रख रहा हूँ, तो कहीं से भी तो मुझे नहीं लग रहा कि फ्रीडम खत्म हो गई। ये तो जोक कर रखा है यार इन्होंने। इस रिपोर्ट को पढ़ो और थोड़ा बहुत हंस लो कि भी हाँ देखो कैसे लोग लगे हुए हैं देश को बदनाम करने के लिए। तो गर्व करो, बी ए प्राउड ऑफ इंडियन, इस सेंसी रिपोर्ट से अपने आप को हट मत करने बैठना और लोगों को अवेयर करो इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ को फैलाओ मत इसको लेके कि देखो फ्रीडम खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।